नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? मोहम्मद आरिफ, विकास, रेहान अली, अजय, प्राची, केशव, शिवानी, नगमा, आर्गा, प्रिया, राजस्थान के जयकुमार, रोहित, पूजा, संस्कार, सतीश, रेखा, अखिलेश, उर्मिला, मयंक, सागर, नंदी राणा, वेरी गुड इवनिंग। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूं, आप भी अच्छे होंगे, है ना? विकास, वेरी गुड इवनिंग। मधुर, बहुत बढ़िया। तो आइए, शुरू करते हैं। एक हमने आज एक पोल करवाया था, शायद आप लोगों ने देखा हो। अपन ने एक पोल करवाया था 2.0 पर, और उस पोल में पूछा गया था कि हाल ही में येलो गोल्ड 48 चर्चा में रहा, ये क्या है? याद है? है ना? येलो गोल्ड 48। और मैंने क्लास में पढ़ाया था, तब ये भी कहा था कि आप इसी प्रकार की गलतियां करेंगे, और हुआ भी। और अभी मेरे पास उसके रिजल्ट्स हैं, मैं आपको शो करता हूं, है ना? और मतलब गजब है यार, ये चीज भी बहुत अच्छी लगती है जब कई बार आप जैसा बोलते हैं गलती भी उसी प्रकार की होती है, तो थोड़ा फील आता है, है ना? मैंने सुबह आरएनए में जब पढ़ाया था, और तब मैंने कहा था कि बेटा ये गलती करोगे आप सब लोग, और सुनने के बावजूद गलती करोगे, और देखो आप रिजल्ट्स देख करके खूब हंसेंगे। ये आप रिजल्ट्स देखिए, अपन ने 2.0 पर पोल करवाया था, रिजल्ट देखिए। 11,000 वोट हैं, और 11,000 वोटों में से लगभग 6,000 लोगों ने पीली दाल किया है। मैंने बोला था कि आप गलती पीली दाल करेंगे या मस्टर्ड सीड करेंगे, और आप देखिए तरबूज जो है वो पढ़ने वाले कुछ बच्चे कर पाए हैं, है ना? येलो गोल्ड 48 है, मजेदार। मतलब ये फैक्ट एंड फिगर्स हैं जो देख करके फील आता है। है ना? तो अपन जब, तो ये बहुत बड़ी बात है ना कि आप नोटिस करेंगे किस तरह से चीजें जो है वो प्रभाव डालती हैं। मैंने कहा था आपसे कि ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, पूछा गया। तो आज हमने इसी तरह का एक अभ्यास किया था आपसे 2.0 पर, और उसका नतीजा आप देख ही रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से, मतलब माइंड गेम्स हैं। अब जैसे अभी रिसेंटली अभी एक सवाल पढ़ाया है, और उस सवाल में मैंने आपको पढ़ाया है कि पेपर में आएगा 101% दुनिया में पहली बार जो अभी रबड़ यूज किया गया है वो किस प्रकार का है, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, आसाम में किया गया। ये सवाल निश्चित रूप से हर परीक्षा में, अगर वो 2-3 सेट में हो रही है तो जरूर पूछा जाएगा, है ना? जीएम रबड़ किया गया ना? गोरांग ऐसा नहीं है, वो थोड़ा ध्यान नहीं रखते, जल्दबाजी में करते हैं, वहां पर गलती हो जाती है, ठीक है? तो चलिए, तो आज हम शुरू कर रहे हैं स्थानीय स्वशासन। और जब मैं स्थानीय स्वशासन पढ़ाता हूं, तो स्थानीय स्वशासन पढ़ाते समय मैं कुछ बातें जरूरी होती हैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो आप जरा सुनने का प्रयास करें। स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके पीछे मैंने मतलब पूरी कहानी सुनाई हुई है, और इस कहानी के पीछे जो मुख्य किरदार हैं उनका नाम महात्मा गांधी जी है, ठीक है ना? तो महात्मा गांधी जी जो इसके मुख्य किरदार हैं, उनके बारे में भी आपको यहाँ पर कुछ बातें जाननी होंगी, तब जाकर के आप स्थानीय स्वशासन को सीख पाएंगे। अक्सर मैं जब आप लोगों को डीपीएसपी पढ़ा रहा होता हूँ, तब भी मैंने आपको स्थानीय स्वशासन के बारे में कुछ बेसिक्स बताए हैं, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी चर्चा उनके बारे में किया जाना जरूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल भले ही स्थानीय स्वशासन का जनक एक अंग्रेज को कहा जाता हो, लेकिन भारत में तो पंचायती राज का जनक महात्मा गांधी को ही कहा जाएगा। कौन था वो अंग्रेज? हाँ भाई, वो अंग्रेज कौन था जिन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? रिपन, है ना? तो वो स्थानीय स्वशासन का जनक, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक कहलाता था, ठीक है? चलिए, एनीवे, तो फिलहाल के लिए हम महात्मा गांधी जी से रिलेट करके एक बात करते हैं जल्दी ही, और आपसे जल्दी एक सवाल पूछते हैं।
आपसे सवाल है, और अक्सर मैं विद्यार्थियों से ये सवाल कई बार पूछता हूँ और उनकी पॉलिटी की समझ यहीं से चेक करता हूँ, क्योंकि शुरुआत में भी मैंने ये बात बताई थी और अभी भी मैं ये बात बता रहा हूँ। A4 आपको अभी मैं बोल देता हूँ, A4 भी अभी क्लास के साथ साथ ही मिल जाएगी, है ना, चिंता मत करिए। हाँ जी, तो सवाल ये है कि आपसे पूछा जा रहा है, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कौन सबसे ऊपर सरकार में माना जाता है, सीनियरिटी वाइज सबसे ऊपर कौन है, अगर हम हायरार्की की बात करें, हायरार्की का मतलब ऊपर उससे नीचे कोई, उससे नीचे कोई, इस प्रकार से, सर वो पॉलिटी का A4 भेज दो यार, कंपाइल्ड अभी जस्ट भेज दो, मैं अपलोड कर दूंगा, है ना, कितनी देर में भेज दोगे? ठीक है, मुझे फिर ये भी याद दिला देना कि अपलोड करना है सर, है ना, ठीक है। हाँ हाँ जी, तो केंद्र, राज्य और तीसरी तरफ होती है पंचायत। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं सबसे ऊंचा, यानी हायरार्की में, पदक्रम में, जैसे पूछा जाता है ना सबसे ऊपर SP, फिर एडिशनल SP, फिर DSP, फिर इंस्पेक्टर, अपन ऐसे पढ़ते हैं। अच्छा, तो आपसे पूछा जा रहा है कि हायरार्की में सबसे ऊपर कौन होता है, केंद्र, राज्य और पंचायत। ये बात, दिव्यांश का आंसर सही है, सुनीता का आंसर सही है ना, और हितेश का आंसर सही है ना। हाँ, तो इनमें से कुछ विद्यार्थियों ने, चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूं, A, B, C, D, D4, नन, मतलब चार ऑप्शन होने चाहिए, तो मैंने चार ऑप्शन यहां कर दिए, कौन सबसे ऊपर है हायरार्की में, क्योंकि मैंने DPSP में भी यही सेम सवाल पूछा था। ये बात, तो मुझे गर्व है कि मेरे प्यारे बच्चे जो हैं वो मेरी पढ़ाई हुई चीज को याद रखते हैं, है ना, कोई भी ऊपर नहीं है, कोई भी ऊपर नहीं है, सबके अपने अपने काम है। हायरार्की इंडिया में केवल कहां होती है, जुडिशियरी में होती है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहां पर सब अपने अपने मतलब वो हैं, सीनियर हैं, मतलब इनको आप ये नहीं कह सकते कि केंद्र के आगे राज्य झुक जाएगा, नहीं भाई, राज्य के अपने काम है, केंद्र के अपने काम है, दोनों एक दूसरे के काम में पैर नहीं लगा सकते। एग्जैक्टली, पंचायतों की भी अपने काम है, और इसी कारण से भारत में जो ये त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, ये स्तर असल में हायरार्की वाले नहीं है, तीन प्रकार की शासन व्यवस्था है हमारे यहां पर, ठीक है। तो ये एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, तो इस बात के ऊपर फटाक से फिर लौटता हूं, और फिर मैं कहना चाहूंगा कि गांधी जी के मूल सिद्धांतों में से ये था, यानी गांधीयन प्रिंसिपल में हम इसे पढ़ते हैं कि पंचायती राज होना चाहिए। कौन से आर्टिकल में पढ़ते हो, आर्टिकल 40 या 44? इसके लिए ए दबाएं, इसके लिए बी दबाएं, जल्दी से बताइए कौन से आर्टिकल में हम इस चीज को पढ़ते हैं, स्थानीय स्वशासन DPSP में कौन से आर्टिकल में पढ़ा जाता है। जी हाँ, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कॉमन सिविल कोड है, जब दोनों अक्षर बराबर आए तो बराबर बोले तो कॉमन सिविल कोड है। एनीवे, तो ये वाले आर्टिकल्स मैं याद कराने के लिए स्पेशल क्लास लगाऊंगा, आप चिंता ना करें, है ना, मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है, अमेंडमेंट्स याद कराना, आर्टिकल याद कराना, ये सारे के सारे मैं स्पेशल क्लासेस के थ्रू करा दूंगा। वो मतलब बहुत बेसिक और फैक्चुअल डेटा चीजें हैं, वो मैं रटा दूंगा, रटाने में तो अपन उस्ताद हैं, ये तो आपको पता भी होगा, है ना, आजकल रटाने के काम में टॉप पे चल रहे हैं। हाँ जी, तो अब हम बात कर रहे हैं कि सर स्थानीय स्वशासन में गांधी जी की विशेषता क्या थी। तो गांधी जी कहते थे कि ना, राज्य जो है वो शोषण का साधन है, और ये मतलब कहीं ना कहीं से मैंने ये लाइन पढ़ ली और तब से मुझे लगता है कि यार ये तो बहुत ही सही बात है, क्योंकि मैंने गांधी जी की ये बात आपको मल्टीपल टाइम बताई है, राज्य शोषण का साधन है, अर्थात राज्य ही है जो लोगों का शोषण करता है। अब आप पूछेंगे, हाँ भाई भावना पवार, बहुत सारा आशीर्वाद, सब्सक्रिप्शन कल एंड होने वाला है, थैंक यू सो मच, ग्रेट एक्सपीरियंस, आपसे एक साल बहुत कुछ सीखा, बहुत सारा आशीर्वाद बेटा, बहुत सारी शुभकामनाएं, ईश्वर आप हर जगह जहां जाएं वहां पर आपको काबिलियत दे। आइए साथियों, तो हम क्या कह रहे हैं, इधर को समझने का प्रयास करें कि राज्य शोषण का साधन कैसे है। बोले राज्य का मतलब यहां पर वो है जो आर्टिकल नंबर, हाँ भाई जरा बताइए कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है राज्य की परिभाषा, 12 और 13, A और B, बोलिए जल्दी से कौन से आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है राज्य की परिभाषा, जल्दी बोलिए कौन से आर्टिकल में राज्य की परिभाषा लिखी हुई है। बहुत बढ़िया, 15% लोग कंफ्यूज हो गए, 13 नंबर में तो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार दिया हुआ है, 12 नंबर में राज्य की परिभाषा है, वेरी गुड। ऐसे फिर बताइए 35 और 36 कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है राज्य की परिभाषा,
राज्य की परिभाषा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? डीपीएसपी का पहला आर्टिकल, ठीक है ना। 12 से लेके 35 तक तो फंडामेंटल राइट है ही, 36 के अंदर राज्य शुरू होता है, ठीक है। तो 36 नंबर के अंदर लिखा हुआ है। तो अब ध्यान से सुनिए, 12 और 36 दोनों में एक ही बात लिखी हुई है। एक ही बात लिखी हुई है का मतलब क्या हुआ? दोनों एक ही चीज को राज्य बताते हैं, दोनों एक ही चीज को राज्य बताते हैं। अच्छी बात है। फिर आगे की क्या बात है? जब दोनों के अंदर राज्य की परिभाषा एक ही प्रकार की है तो राज्य शोषण का साधन है, अर्थात राज्य अपनी बात मनवाने के लिए बल का प्रयोग करता है, बल का प्रयोग करता है। और बल का प्रयोग करने का अर्थ यह हुआ वो पुलिस बल का अथवा सेना का अथवा किसी प्रकार के कर का उपयोग करके आपको डराने का प्रयास करता है। यही कारण है कि गांधी जी लोकतंत्र की सबसे बुनियादी व्यवस्था में विश्वास रखते थे। और बुनियादी व्यवस्था का मतलब है कि ग्रामीण स्तर पर जो गांव में बसा हुआ भारत है वहां से देश चलाया जाए, और देश चलाने के लिए ग्रामीण लोगों को देश चलाने का अधिकार पंचायतों के माध्यम से दिया जाए। यही कारण है कि 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जी के जन्म दिवस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के अंदर बगदरी नामक गांव के अंदर 2 अक्टूबर जो कि गांधी जी का जन्म दिवस है, भारत में पहली पंचायत का निर्माण किया गया था। तो पंचायतों का जब इतिहास की बात की जाती है तो क्या कहा जाता है कि पंचायतें गांधी जी को ही समर्पित हैं, ताकि लोग जो हैं वो ग्रामीण स्तर पर अपने लिए नियमों का निर्धारण कर सके, अपने लिए संसाधनों का बंटवारा कर सके। ये सत्ता के विकेंद्रीकरण के रूप में समझे जाने वाली चीज है, विकेंद्रीकरण। अब विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। सामान्यतया हम ये मानते हैं कि जितनी भी प्रकार की मतलब वो है, एक प्रकार से समझिए पावर्स है, वो केंद्र के पास है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जब हम शब्द यूज करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि पंचायत के मसले पर, यानी पंचायत जहां पर है उन मसलों पर पंचायतें अपना निर्णय खुद ले सकेंगी। जैसे पंचायतों के अंदर होने वाले विकास कार्य और पंचायतों के विकास के लिए उगाए जाने वाले कर, ये दोनों का निर्णय कौन कर सकेंगी? पंचायतें खुद कर सकेंगी। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए। इस कार्य के लिए पंचायती राज व्यवस्था का विकास किया गया। पंचायती राज व्यवस्था में विभिन्न आयोग आए, बलवंत राय मेहता, मेहता के साथ और मेहता, जी एम सिंह भी, ये तमाम आयोग आए जिन्होंने अपने अपने द्वारा रिकमेंडेशंस दी, वो आपको नोट्स में थ्योरेटिकली मिल जाएगी। लेकिन उन सभी व्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा मान्य व्यवस्था है कि पंचायतें खुद त्रिस्तरीय हों, त्रिस्तरीय हों। अब ये त्रिस्तरीय का मतलब क्या है? पंचायतें खुद त्रिस्तरीय हों इसका मतलब होता है कि सबसे पहले गांव की कल्पना की जाए, उसके बाद पंचायत समिति लेवल की कल्पना की जाए, पंचायत समिति लेवल की, और उसके बाद में जो कल्पना की जाए वो जिले लेवल की कल्पना की जाए। सबसे छोटी यूनिट गांव है जहां पर सरपंच बैठता होगा, यूं समझिए सरपंच बैठता होगा, दूसरे लेवल पर प्रधान बैठता होगा, और तीसरे लेवल पर जिला प्रमुख बैठता होगा, जिला प्रमुख बैठता होगा। इस प्रकार से त्रिस्तरीय पंचायती राज की कल्पना ग्रामीण क्षेत्रों में की गई। अब हम जिसको पंचायत समिति बोल रहे हैं, कई जगह इसी को ब्लॉक बोला जाता है। पंचायत समिति और ब्लॉक की संख्या लगभग समान होती है ना। और इन जगह पर क्या होता है, प्रधान जो है वो प्रमुख व्यक्ति होता है। सामान्यतया भारत वर्ष के अंदर सरपंच का चुनाव, अब इनका चुनाव कैसे होगा, सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख, इनका चुनाव कैसे होगा? इस चुनाव का निर्धारण करने के लिए राज्य इलेक्शन आयोग, यानी राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई, राज्य चुनाव आयोग की स्थापना। और जो राज्य चुनाव आयोग है वो आर्टिकल नंबर 243 आई है कि के है, 243 के, और 243 आई जो है वो राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत की गई। उम्मीद है इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। यहां तक कोई बात समझने में दिक्कत हो तो बताएं, ठीक है ना। अच्छा, राज्य चुनाव आयोग जो है वो तो चुनाव कंडक्ट कराने का निर्णय लेता है, लेकिन राज्य की विधानसभा, ये सवाल बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आप चाहें तो अलग से नोट कर सकते हैं कि राज्य की जो विधानसभा है वो खुद निर्णय लेती है किस बात का, कि सरपंच का चुनाव डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट,
प्रधान का चुनाव डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट, और जिला प्रमुख का चुनाव डायरेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट। अब सवाल बनता है, सर ये डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? सरपंच का चुनाव अगर डायरेक्ट होगा तो साथियों यहां पर देखिए, यहां पर क्या कहते हैं, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है ये समझने का प्रयास करें कि आप जितने भी लोग गांव के निवासी हैं, हाँ भाई गांव के निवासी ग्राम सभा में हैं, किसमें हैं? ग्राम सभा। बताइए जरा मुझे, ग्राम सभा किन किन से मिलकर के बनी होती है? पहला, समस्त ग्रामीणों से, समस्त ग्रामीण लोगों से, समस्त वयस्कों से, वयस्क बोले तो अडल्ट। नंबर तीन, चुनाव की जो इलेक्शन रोल होती है, इलेक्शन रोल का मतलब जहां पर सबका नाम लिखा हुआ है ना, कि भाई ये मत दे सकते हैं, उनसे। और नंबर चार, 21 वर्ष के उम्र से अधिक, अपने वयस्क का मतलब 18 प्लस होता है ना। इलेक्शन रोल का मतलब चुनाव में जो वोट दे सकते हैं उनका नाम, और 21 वर्ष से ऊपर सवाल है। और नंबर पांच, ग्राम सभा के सदस्यों का, सदस्य जो है ग्राम सभा के सदस्य, उनका चुनाव होता है। सवाल आपसे है, ग्राम सभा किन से मिलकर के बनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कृपया करके आंसर दें इसका। चार ऑप्शन है आपके सामने। ए स्टैंड्स फॉर समस्त ग्रामीण, जो गांव में रहने वाले महिला पुरुष बाल बच्चे सब। नंबर बी, समस्त वयस्क, समस्त वयस्क का मतलब हुआ कि सारे अडल्ट्स जो 18 प्लस के हैं। नंबर तीन, चुनाव इलेक्शन रोल में जिनका नाम लिखा हुआ है गांव के अंदर, जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में लिखा हुआ है। नंबर चार, 21 वर्ष से ऊपर के सभी लोग, और या फिर इनका चुनाव होता है। आपके सामने ए बी सी डी ई पांच ऑप्शंस हैं, जल्दी से आप आंसर दे दीजिए कौन सा आंसर सही है। बहुत बढ़िया, ये नतीजा है आपके सिंसियरली और ध्यान लगा के पढ़ने का। मैं एक वादा कर सकता हूं, जिस प्रकार से पॉलिटी आप लोगों ने पढ़ी है, निश्चित ही आप पॉलिटी के क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले। मेरी क्लास की मेजॉरिटी, उसकी पॉलिटी बहुत ही जबरदस्त हो चुकी है। आई एम वेरी मच श्योर कि उनका मतलब इस प्रकार का पॉलिटी, हालांकि समय खूब लिया है हमने, भर भर के समय लिया है, लगभग 2.5 से 3 महीना हो चुका है, और बहुत आराम से तसल्ली से जिसको फाउंडेशन कहते हैं वैसे ही चलाया गया है इसे। लेकिन इतनी गारंटी है, अश्योर है कि आप लोग गलतियां नहीं करेंगे। आपको ये समझ में आ चुका है कि पॉलिटी पढ़नी कैसे। देखिए टीचर 100%, कोई भी टीचर दुनिया का कुछ भी नहीं पढ़ा सकता, ना 100% कोई साइंस पढ़ा सकता, ना 100% कोई जीके पढ़ा सकता। टीचर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिला सकता है, और उसके सबसे बड़े जो वो टाइटल्स जो सबसे टफ माने जाते हैं उन्हें खत्म करा सकता है, और उन टाइटल्स में आपने महारत हासिल कर ली है, जिसे कहा जाए कि आपने समझ विकसित कर ली है। ठीक है, हाँ जी, जिनके आंसर्स गलत हुए वो जरा सुन लें। समस्त वयस्क इसके अंदर कंसिडरेबल नहीं है। कंसिडरेबल इसलिए नहीं है क्योंकि वयस्क से कोई भी लेना देना नहीं है, केवल वो वोटिंग के काम आ सकते हैं। अगर वो वोटर लिस्ट में नाम नहीं लिखवाएंगे तो ग्राम सभा के किसी भी प्रकार के काम नहीं है। जल्दी से एक आंसर और करिए, बताइए क्या, जल्दी से बताइए, जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में है केवल वही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अच्छा एक सवाल और बताइए, जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, वो ग्राम सभा जो है क्या ये एक संवैधानिक संस्था है? यस और नो में आंसर दीजिए। क्या ग्राम सभा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? अगेन बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया, जी हां, क्योंकि आर्टिकल 243 जो है वो इसी के बारे में बात करता है। 243 ए विशेष रूप से इसी के बारे में बात करता है, ग्राम सभा होगी और ग्राम सभा के अंदर किस चीज से मिलकर के बनी होगी, ये बातें इसी में लिखी हुई। हां भाई, सोनम कुमारी पूछ रहे कोई बताओ पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ बेटा यही पर से डाउनलोड हो जाएगी। इधर देखिए सारी पीडीएफ सब है, चिंता मत करिए, ये सारी जानकारियां आपके सामने भर भर के दी हुई है। ठीक है, लोड मत लीजिए, सब कुछ दिया हुआ है। कुछ विद्यार्थी बफर कर रहे हैं, बफर नहीं हो रहा है वो, मैं स्लाइड आगे चला रहा हूं इसलिए वो स्लाइड अपडेट होने में समय लगा रही होगी। कोई बफर कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर, जी आइए तो आगे बढ़े साथियों। जयपुर में बहुत तेज बारिश हो रही है भूपेंद्र।
विधिक नहीं है बेटा ये, विधिक होती तो उसके लिए कानून होता, यहां पर आर्टिकल दिया हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हमने अब थोड़ी सी यहां पर कुछ बेसिक जानकारियां दी हुई हैं, आप एक बार इन्हें जरूर पढ़िएगा। ग्रामीण स्वशासन में पंचायती राज पढ़ते हैं और शहरी प्रशासन के अंदर नगर निकाय पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जी, और ग्रामीण के अंदर क्या कुछ है ये सारा का सारा इतिहास मैंने आपको बोल के सुना दिया। इन इतिहास के अंदर जो सबसे पहली बार जो स्थापित हुई ये मैंने आपको बता दी। आर्टिकल नंबर, हाँ ये तथ्यात्मक जानकारी आपको याद रखनी चाहिए कि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड किया गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 के अंदर। पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। पंचायती राज दिवस अभी रिसेंटली मैंने कल परसों भी पढ़ाया है, 24 अप्रैल, करंट के क्वेश्चन के अंदर मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा। हाल ही में बायोटेक किसान नामक योजना की शुरुआत की गई है और बायोटेक किसान जो है वो पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में की गई है, याद है ना आपको, मैंने वो पढ़ाई है इवनिंग वाली जो आप लोगों के लिए क्लास चलती है उसमें पढ़ाया हुआ है, याद आ गया। हाँ जी, तो साथियों यहां पर क्या है, 22 तारीख को बेटा क्लास ही नहीं ली थी, कौन बालक है ये भट्टाचार्य जी, क्लास नहीं ली थी उस दिन, है ना। जो चीजें नहीं मिली है उसके लिए चिंता मत करिए, मंथली मैगजीन में सारी चीजें आ जाएंगी, उसका लोड मत लीजिए। जो भी चीजें छूटी है वो सब आ जाएंगी, उसकी 1% भी चिंता मत करिए, करंट आपका नुकसान नहीं होगा। इस बार मेहनत कर रहे हैं हम सब लोग बहुत अच्छे से, है ना, जुलाई फर्स्ट वीक में आपके पास सारी चीजें उपलब्ध होगी। आर्टिकल 243 से 243 ओ डील्स विद द पंचायती राज सिस्टम। जनरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 3-tier सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट फॉर रूरल एरियाज, बट स्टेट्स आर फ्री टू अडॉप्ट पंचायती राज सिस्टम एज पर देयर चॉइस एंड डिमांड। Like Rajasthan has 3-tier system, Tamil Nadu has 2-tier system, whereas West Bengal has 4-tier system. 4-tier का मतलब समझ में आ गया? पंचायत के अंदर पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला प्रमुख वाली पंचायत, जिला पंचायत से आप कहते हैं। कई जगह 3 level की, कई जगह 2 level की, कई जगह 4 level की। हमारे राजस्थान में 3 level की है, तमिलनाडु में 2 level की है, पश्चिम बंगाल में 4 level की है। 3 level की जब होती है तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये तीनों मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है ना, वो आप लोग अपने तरफ से देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद ग्राम पंचायत के अंदर क्या क्या होता है ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। लोएस्ट लेवल ऑफ 3-tier एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, रेजिडेंट्स के माध्यम से ग्राम पंचायत का सदस्य का चुनाव होता है। हाँ जी, मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, टेन्योर 5 साल का होता है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कांट, ये सब बातें बहुत बेसिक है, ये सब बातें मैं बता चुका हूँ, पढ़ लेना, 5 साल का कार्यकाल, ये सब बातें बता चुका हूँ। जिला परिषद बहुत सारे लोग नहीं जानते, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। बहुत सारे लोग आप में से फिर क्लास लेनी होगी क्या बुक लेने के बाद, चेतना शर्मा बेटा आपको वो बुक समझ में ही तब आएगी जब आप क्लास लोगे, अदरवाइज तो फिर वो काला अक्षर भैंस बराबर है। जिस प्रकार से सारा नॉलेज ऑलरेडी किताबों में लिखा हुआ है ऐसे तो उसमें भी लिखा हुआ आएगा, है ना, जो क्लास में पढ़ा रहा हूं वो बुक में होगा तो वो तभी समझ में आएगा। हाँ जी, तो अब इस बात को थोड़ा सा समझिए, जिला पंचायत क्या होता है, जिला पंचायत, जिला पंचायत क्या होता है। हाँ जी, देखो बच्चों, जैसे ना आपको पता नहीं कितने लोगों को पता होगा कि अपने जिले के अंदर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है जिला प्रमुख, अगर आपको मालूम हो, और जिले के जितने भी विकास कार्य हैं उन विकास कार्यों का सबसे बड़ा, जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य हैं उनका सबसे बड़ा प्रतिनिधि यही होता है। मतलब इसके पास में जो सेक्रेटरी लेवल का आदमी बैठता है उसका नाम कलेक्टर होता है, जो इसके पास में सेक्रेटरी लेवल का आदमी बैठता है वो कलेक्टर होता है, ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफिसर, सिटी डेवलप, मतलब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर आप उसे कह सकते हैं, सीईओ जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो जिला प्रमुख का निर्वाचन कैसे होता है आपको पता हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। पूरे की पूरे जिले को ब्लॉक्स में बांटा जाता है, ब्लॉक्स में बांटा जाता है। हमारे राजस्थान में उन लोगों को जो ब्लॉक्स में निर्वाचित होके आते हैं, वैसे तो वो वार्ड कहलाते हैं, वार्ड के पंच कहलाते हैं, वार्ड पंच, लेकिन उसका हमारे यहां इलेक्शन डायरेक्टर के नाम से होता है कि डायरेक्टर के इलेक्शन हो रहे हैं, सुना है आप लोगों ने। हाँ, तो ये जो वार्ड पंच है ये डायरेक्टर का, मतलब ये सभी लोग डायरेक्टर्स कहलाए, और आपका पूरा की पूरा जिला, मान लीजिए कि 100 वार्ड पंचों में बांट दिया गया, पार्षद कह सकते हैं आप इसे, है ना, ये सब मिलकर के निर्वाचन करते हैं। किसका निर्वाचन करते हैं?
एक व्यक्ति का, और जिस व्यक्ति का निर्वाचन हुआ उसे आप जिला प्रमुख कहते हैं। जिला प्रमुख पूरे की पूरे ग्रामीण क्षेत्र का, मतलब ये समझिए कि वो हर प्रकार के कार्य का निर्धारण, कितना बजट किस चीज के लिए मिलेगा, वो यहीं से डिसाइड करता है। ठीक है, हर जगह होता है ये। तो आप अपने गांव में तो सरपंच देखते हैं, जब चार पांच गांव मिल जाते हैं तो पंचायत समिति का निर्माण होता है, वहां पर प्रधान देखते हैं, प्रधान ब्लॉक लेवल पर बैठा करते हैं, ब्लॉक लेवल पर उसके लिए एक प्रशासनिक अधिकारी रखा जाता है जिसे आप BDO कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। सामान्यतया वो राज्य प्रशासनिक सेवाओं से बिलोंग करता है। और तीसरा स्तर होता है जिला स्तर। जिला स्तर पर उस जिला प्रमुख का होता है और जिला प्रमुख के बगल में CEO बैठता है। जिस प्रकार से राज्य के अंदर मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री के पैरेलली पूरी प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए चीफ सेक्रेटरी होता है, वैसे ही जिला लेवल पर जिला प्रमुख की मदद करने के लिए CEO का निर्माण किया गया है। पंचायत स्तर पर वहीं पर एक व्यक्ति और नियुक्त किया जाता है जिसे आप पंचायत सेक्रेटरी कहते हैं। ठीक है ना, पंचायत सेक्रेटरी को आजकल विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, दैट इज VDO भी कहा जाता है। VDO नहीं, VDO है ना। तो सबसे ऊंची पोस्ट जिले के अंदर हुई CEO की, उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो प्रधान के बगल में बैठता है, और तीसरा हो गई VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे पहले ग्राम सेवक भी कहा जाता था, सचिव भी कहा जाता था। सचिव यही होता है। पंचायत सीरीज अगर आपने देखी है, अगर आपने अमेजन पर, तो यहां पर जो जीतू भैया हैं वो VDO के पद पर ही बैठे हुए हैं। आगे बात समझ में। तो सरपंच के बगल में एक प्रशासनिक अधिकारी, इसी प्रकार प्रधान के बगल में एक प्रशासनिक अधिकारी, और जो कलेक्टर, जो जिला प्रमुख है, उसकी बगल में एक प्रशासनिक अधिकारी। ये भारत की पूरी शासन व्यवस्था में ऐसे ही होता है। अगर आप देखें तो ऐसे ही साथियों, जो CM होता है उसके बगल में उपस्थित होता है कौन, चीफ सेक्रेटरी। ऐसे ही PM के बगल में होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। इस प्रकार की हायरार्की भारत के अंदर होती है। आगे बात समझ में, ठीक है ना, मतलब ये हायरार्की समझ में आई आप लोगों को, होपफुली क्लियर हो गई होगी। अच्छा, भारत में साथियों कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां पर 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं होता है ना, उन्हें पंचायत के एक्सक्लूडेड जोन कहा जाता है, पैसा कानून वहां पर लगता है। और वो कौन से राज्य हैं, तो साथियों उनके बारे में जिक्र Schedule 5 में और Schedule 6 में किया गया है। उनके बारे में जिक्र कहां किया गया है, Schedule 5 में और Schedule 6 में किया जाता है। बेटा हाँ, CEO मतलब DM, जो DM है ना उसके पास एक कार्य ये भी है, इस प्रकार से समझिएगा। ठीक है, तो होता क्या है, ऐसे क्षेत्रों में पंचायत का एक्सटेंशन लगता है ना, पंचायत का, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज, दैट इज पैसा। ये एक्ट आया था 1996 में, ऐसे क्षेत्र जहां पंचायती राज सिस्टम नहीं चलता, तो वहां क्या चलता है साथियों, वहां पर सीधा पंचायती राज की तरह ही ऑटोनोमस बॉडीज का निर्माण करवाया जाता है। फिर आप पूछेंगे एक बात बताइए, आपने कहा कि ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां पर पंचायती राज सिस्टम नहीं चलता, माफ मान में मान भी गए आपकी कि नहीं चलता होगा, लेकिन सर एक सवाल बताइए, उन क्षेत्रों में पंचायती राज का विकल्प क्या है, तो बेटा वहां पर है ऑटोनोमस काउंसिल का निर्माण। किसका निर्माण, ऑटोनोमस काउंसिल का निर्माण। सर ऐसा कहां पर होता है, ये क्या होती है, मैंने कहा बेटा ये स्वायत्त संस्थाएं होती हैं। सर ऐसी जगह कहां पर है, बेटा ऐसी जगह के बारे में भारत के संविधान के अंदर अनुसूची नंबर 5 और अनुसूची नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है। इन राज्यों को ATMM राज्य, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ठीक है ना, हाँ जी, तो ATMM के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, हाँ जी। तो इन राज्यों के अंदर क्या होता है, यहां पर स्वायत्त निकायों का निर्माण किया जाता है। बोले स्वायत्त निकाय का मतलब क्या होता है, बेटा यहां पर होने के लिए तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि सरपंच, पंच और ये मुखिया वगैरह बनते हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहां पर, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था अगर आपको ध्यान रह गया हो, कि चुनावों की जो डेट है वो निर्धारित करती है राज्य विधानसभा, याद है ना, पंचायत के चुनाव होंगे तो उसका निर्णय कौन करेगी, राज्य विधानसभा। लेकिन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो हैं उनके अंदर जो निर्णय है वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है, और गवर्नर जो है वो निर्णय करता है प्रेसिडेंट की अनुमति से। यानी कि ये तुलनात्मक रूप से ये समझिए कि इन क्षेत्रों में, जैसे मान लीजिए असम के अंदर पंचायती राज सिस्टम किन्हीं क्षेत्रों में नहीं चल रहा है, जैसे बोडोलैंड की मांग करने वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर नहीं चल रहा है,
कार्बी एंगलोंग वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर पंचायती राज नहीं चल रहा है। उन क्षेत्रों में पंचायती राज राज्य सरकार के द्वारा जो मतलब पंचायत के चुनाव की डेट निकाली जाती हैं उनसे कार्य नहीं होता, तो फिर किससे होता है? उन क्षेत्रों में कार्य ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मदद से होता है। बोले इन दोनों में फिर अंतर क्या है? इसको आप यूं समझिए कि अपने वाली जो पंचायत होती है इसका निर्णय तो राज्य सरकार ले रही है, लेकिन जो कार्बी एंगलोंग वाला क्षेत्र हुआ या बोडोलैंड वाला जो क्षेत्र हुआ वहां पर निर्णय केंद्र सरकार ले रही है। इसको सरल रूप से कहूं तो यह समझिए कि यह पंचायती राज का केंद्र शासित क्षेत्र है। इसको सरल रूप में समझने का काम करें तो यह समझें कि यह पंचायती राज का केंद्र शासित क्षेत्र है। अब आप पूछेंगे इसका मतलब क्या हुआ, अभी बताते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि भारत में यूनियन टेरिटरी जहां पर भी है वहां पर शासन केंद्र का चलता है, किसी राज्य का नहीं चलता है। भले ही दिल्ली पूरी तरफ से तीन तरफ से हरियाणा से घिरी हो लेकिन वहां हरियाणा का राज नहीं चलता है। चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब से घिरा हो लेकिन वहां चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा पंजाब का शासन नहीं चलता है। भले ही पौंडीचेरी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और केरला से घिरा हो लेकिन राज्य वहां केंद्र का चलता है। एग्जैक्टली जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं उनके अंदर मेरे प्यारे साथियों जो राज्य चलता है वो केंद्र का चलता है। यानी पंचायती राज में भी राज्य केंद्र का चले, दैट इज पैसा। यानी कि पंचायती राज एक्सटेंशन इन साउथ शेड्यूल एरियाज, दैट इज पैसा। ये एक्ट 1996 में आया था। सामान्यतया आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है लेकिन इसके बारे में जान लीजिएगा। और ये क्षेत्र ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा ये आदिवासी हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि जो इनके यहाँ की राज्य सरकार है वो इनके साथ में दुर्व्यवहार पूर्ण कार्य करती है, इनके साथ में गलत मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करती, इसलिए ये चाहते हैं कि केंद्र हमारे निर्णय ले। ये ट्राइबल एरियाज है। उम्मीद है आपको अब ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। शेड्यूल फाइव में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? बेटा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, इन सबके कुछ क्षेत्र इसमें आते हैं, है ना? कुछ क्षेत्र यानी पूरा पूरा नहीं है। जैसे हमारे यहां पर भी टीएसपी और नॉन टीएसपी इस प्रकार से वैकेंसीज आती हैं राजस्थान में, आपके राज्य में भी आती होंगी। कुछ ट्राइबल के लिए बचे हुए शेड्यूल एरियाज हैं, कुछ नॉन ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है ना? कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं। बेटा रेड कॉरिडोर नहीं है बच्चा, ये राजस्थान में रेड कॉरिडोर कहां है, है ना? हाँ, ट्राइबल्स के लिए जो क्षेत्र रख दिए गए हैं वहां पर जो क्षेत्र है वो ऑटोनोमस काउंसिल के आधार पर चलते हैं, ठीक है? हाँ भाई, एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर यू आर नॉट विजिबल, सचिन पाल। हाँ भाई, क्या मैं आप सभी को सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? सचिन पाल, आंख पर पट्टी हटाओ, मास्क नाक की जगह आंख पर ना लगाओ, मास्क केवल नाक पर रहने दो, उसका उपयोग सोने में ना, मास्क शायद ऊपर चला गया हो, थोड़ा नीचे ले लो, ठीक है? तो ये कुछ कमेटियां हैं, आपकी आवश्यकता हो तो इन्हें पढ़ लीजिएगा, इन सब की छोटी छोटी रिकमेंडेशंस हैं, ये मैंने आपको यहां पर दी हुई है, ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, म्युनिसिपैलिटीज पर, नगर पालिकाओं पर। अब ये क्या है साथियों, जिस प्रकार से हमने ग्रामीण स्तर के बारे में, ग्रामीण स्वशासन के बारे में पढ़ा, पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है, जिला प्रमुख होता है, जिला पंचायत होती है, वैसे ही शहर के आकार के आधार पर, शहर के आकार के आधार पर कुछ शहरी स्वशासन की व्यवस्था बनाई गई। अब इसको कैसे समझें? जैसे भाई गांव के अंदर तो निर्णय पंच से मिलकर के सरपंच की मदद से ले लिया गया, ग्राम सभा के लोगों ने मिलकर ले लिया। लेकिन आपने देखा होगा अगर आप किसी कस्बे में रहते होंगे तो वहां पर निश्चित ही या तो नगर पालिका होगी या नगर परिषद होगी या नगर निगम होगी। आपके सामने अगर आपने देखा हो तो आपके सामने तीन प्रकार की व्यवस्थाएं सामान्यतया होती है जहां आप रहते होंगे। कौन कौन सी? या तो नगर पालिका होगी जहां आप रहते हैं। अगर आप नगर पालिका में रहते हैं, एक बार पोल में बताइए, अगर आप नगर पालिका में रहते हैं तो यस ट्रू पर क्लिक करें, ट्रू पर क्लिक करें, अगर आप जहां रहते हैं वहां नगर पालिका है। मतलब ये हुआ कि हमारी क्लास में जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी लगभग आधे बच्चे छोटे कस्बों से हैं, है ना? छोटे आधे बच्चे जो हैं वो छोटे कस्बे से हैं, समझ गए?
अब इससे क्या पता लगा लिया मैंने, सामान्यतया वो क्षेत्र जहां की जनसंख्या लगभग 5,000 के आसपास है, 5,000 से 10,000 के बीच में जहां की आबादी है वहां पर नगर पालिकाएं हैं। आ गई बात समझ में? या तो आप विलेज से होंगे या फिर आप ऐसी जगह से होंगे जहां पर कस्बा है। क्लियर हो गया, डन हो गया। अच्छा, अब दूसरा सवाल बनता है, नगर परिषद जिनके जगह पर होगी, और देखिए जिनके शहर में नगर परिषद होती है उनको पता होता है, नगर परिषद में हर दिन आपके लोकल अखबार को उठा के पढ़िए, नगर परिषद वही वाली संस्था होती है जहां पर वार्ड मेंबर्स लड़ाई करते हैं, जूते चप्पल चलाते हैं और एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंक फेंक करके मारते हैं, वही चीज नगर परिषद कहलाती है। ठीक है ना, आपने निश्चित ही आपके शहर के अगर लोकल न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो जरा बताएं क्या आपके क्षेत्र में नगर परिषद है, तो ट्रू करें और नहीं है तो फॉल्स करें। नहीं करें से मतलब क्या हुआ, अगर आप नगर पालिका वाले हैं, गांव वाले हैं तो ठीक है, अगर आपके क्षेत्र में नगर परिषद है तो। ठीक है, यहां पर हमारी क्लास में जो वोटिंग पैटर्न निकल के आ रहा है ये मतलब कुछ लोग केवल पोल का गलत उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, चल दबा देते हैं, देखो मजा आएगा दबाने में, उनको पोल दबाने में मजा आ रहा है, गजबी लेवल का डेस्पिरेशन है ना। तो मतलब पॉइंट ये है कि नगर परिषद का मतलब है कि कोई मेरे जैसे शहर में रह रहा होगा, मिडिल शहर मतलब जिसकी आबादी लगभग मतलब 10,000 से ऊपर और 1,00,000 के बीच में होगी, है ना, ऐसे शहर में कोई रह रहा होगा तो मेरी सिटी की आबादी इतनी ही है। ठीक है, यहां पर नगर परिषद है तो मतलब हमारे अलवर में जो नगर परिषद है यहाँ की सभापति जो होती है ये मतलब आए दिन जो है मतलब कहीं पर हंगामा करती हुई पा जाएंगी, वार्ड मेंबर्स उनकी कुर्सी पर उनकी टेबल पर कुर्सी फेंकते हुए पा जाएंगे, एक दूसरे को पीटते हुए पाए जाएंगे, ये होता है। ठीक है, अच्छा फिर होता है नगर निगम। अगर आप नगर निगम में हैं, जैसे जयपुर में JDA है, लखनऊ में LDA है, कानपुर में KDA है, ठीक है KDA है, दिल्ली में DDA है, ठीक है, अगर आप इस जगह से हैं तो इसका मतलब आप बहुत बड़े शहर से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, अगर आप पोल के रिजल्ट देखें, मैं आपसे पोल में पूछता हूं, आप देखना क्या आप इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यस और नो में आंसर करें, और अगर आप बाकी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप फॉल्स पर क्लिक करें। ठीक है, जैसे मैं नगर निगम से बिलोंग नहीं करता तो मैं फॉल्स कर रहा हूं अपने आप को, अगर आप नगर निगम वाले क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ट्रू पर कॉल करें। तो जैसे मैं छोटी जगह से हूं, मतलब अलवर जहां है वहां पर नगर परिषद है, नगर निगम नहीं है। ठीक है ना, तो नगर निगम वाला जो कंसेप्ट है वो उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब तीनों में अंतर क्या है, तो आपने अब तक यदि नोटिस किया हो तो मैंने आपसे ये पूछ लिया बात ही बातों में कि आप कितनी बड़ी जगह पर रहते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आप कितनी बड़ी जगह पर रहते हैं, मैंने ये पूछा आपसे। ठीक है, आप बड़ी जगह पर रहते हैं 10,000 तक की आबादी वाले क्षेत्र में, उससे बड़े क्षेत्र में और उससे बड़े क्षेत्र में 1,00,000 से अधिक वाले क्षेत्र में। ठीक है, हमारे यहां पर तीनों ही जगह शहरी प्रकार की व्यवस्था है, इसको शहर ना कह के नगर कहा गया है, है ना, नगर कहा गया है, नगर परिषद नगर निगम, मतलब ये कल्पना ये है कि ये गांव से थोड़ा ज्यादा मच डिसिप्लिन्ड जगह है, मतलब यहां पर जो सुविधाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा है, यहाँ लाइट ज्यादा समय तक आती है, सड़कें यहाँ ज्यादा बनी हैं, हेल्थ फैसिलिटीज यहाँ ज्यादा अच्छी हैं, ये तुलनात्मक रूप से गांव नहीं है, ये नगर की तरफ बढ़ चुके हैं, नगरों में ये सीमा बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो तीनों में ही जो प्रक्रिया है वो एक जैसी है, अपने प्रशासकों को चुनने की, अपने लिए जो नेता चुनने की प्रक्रिया है वो एक जैसी है, जैसे नगर पालिका में भी वार्ड मेंबर के चुनाव होते हैं जिसे आप पार्षद कहते हैं, आपके नगर पालिका में भी वार्ड नंबर होगा और उसे आप पार्षद के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में इसे आप काउंसलर कहते हैं, काउंसलर के चुनाव। ठीक है, नगर पालिका में भी ये वार्ड मेंबर के चुनाव होते हैं, वार्ड मेंबर कहिए, पार्षद कहिए, काउंसलर कहिए, कुछ भी कहिए। अच्छा, ऐसे ही नगर परिषद वाले क्षेत्र में भी आपका पूरा शहर बांटा हुआ होता है वार्ड्स में और वहां पर भी पार्षद का चुनाव होता है, सभासद भी कहते हैं कुछ लोग, पार्षद भी कहते हैं कुछ, वार्ड भी कहते हैं, वार्ड मेंबर भी कहते हैं, कुछ भी कहिए, कॉर्पोरेट कहिए, है ना, कॉर्पोरेटर कहिए, जैसे मुंबई में कॉर्पोरेटर कहते हैं। ठीक है ना, तो मतलब हर जगह इसके अपने अपने नाम हैं, सबका मीनिंग अगर सही मायने में पूछा जाए तो वार्ड पार्षद है। ठीक है, अच्छा
तीसरी चीज अब होता है नगर निगम। सेम नगर निगम में भी साथियों यही सीन है। क्या सीन है? वहां पर भी वार्ड मेंबर होता है। तो सबसे सही क्या है? वो है वार्ड का पार्षद होना, वार्ड का मेंबर होना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? पार्षद शब्द जो है वो सबसे यही सही है। तीनों जगह यही होता है, तीनों जगह ये वार्ड मेंबर्स मिलकर के अपने सभापति का चयन करते हैं। सभापति जिसे आप चेयरमैन कहते हैं, चेयरमैन का चुनाव करते हैं, चेयरमैन, चेयरमैन। लेकिन नगर निगम के केस में यही व्यक्ति मेयर कहलाता है, नगर निगम के केस में यही व्यक्ति मेयर कहलाता है। अब आपने मेयर का नाम तो सुना होगा, यही वो चेयरमैन है जिसके चुनाव में ये पार्षद जितना भी चुनाव में पैसा खर्च किए होते हैं वो इस चेयरमैन से वापस प्राप्त कर लेते हैं, पहले ही बिक बिका लेते हैं कि भैया इतने पैसे में वोट देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? ऐसे ही नगर परिषद के केस में भी, ऐसे ही नगर निगम के केस में भी। आ गई बात समझ में? जैसे आपने पहले सरपंच सीखा था, प्रधान सीखा था और आपने जिला प्रमुख सीखा था, एग्जैक्टली ऐसे ही साथियों यहां पर है। क्या क्या है साथियों? यहां पर नगर पालिका है, नगर पालिका में चेयरमैन है और चेयरमैन की बगल में वैसे ही जैसे सचिव होता है ग्रामीण लेवल पर, यहां पर भी उनकी मदद करने के लिए नगर पालिका लेवल पर एक सचिव की व्यवस्था की जाती है। वो राज्य प्रशासनिक सेवाओं से होता है। सामान्यतया कई राज्य सरकारें इस पद के लिए अलग से परीक्षा कंडक्ट करवा लेती हैं। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? स्पेशल में गुरुदीप, स्पेशल में क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आ गई? बेटा मैं एग्जाम बोल रहा हूं किसके लिए? सचिव के लिए। मैं इनके लिए नहीं बोल रहा हूं, एग्जाम सचिव के लिए। आप लोग कहां पर पहुंच पाएंगे? आप लोग कहां पर पहुंच पाएंगे यानी चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किए तो इसके सचिव बनेंगे कि नहीं? तो सचिव जो है वो परीक्षा के माध्यम से चुन के आया होता है। एग्जीक्यूटिव, ईओ बोलते हैं उसे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हर जगह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यहां पर भी सीईओ बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कई राज्य सरकारें अपना पेपर कंडक्ट करवाती हैं ईओ का, कई राज्य सरकारें जो राज्य प्रशासनिक सेवा होती है उसमें से ही ईओ के पद पर लोग बिठा देते हैं, होती राज्य लेवल। लेकिन जो नगर निगम का सीईओ का पद है सामान्यतया वो आईएएस लेवल के लोगों को दिया जाता है। मेयर को ही महापौर कहते हैं, मेयर को ही महापौर भी कहा जाता है। ठीक है, नगर परिषद का ईओ कई बार जो होता है वो राज्य प्रशासनिक सेवा से भी होता है और कई बार वो अलग से एग्जाम कंडक्ट करवा के भी बनाया जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, अब आप पूछेंगे सर ये काम क्या करते हैं? बेटा इनके सारे काम शहर में जन्म मरण से लेकर के नाली सफाई, रोड निर्माण, स्वच्छता, पानी है ना, और टैक्स लगाना, शहर का सारा काम इनका होता है। सबसे मालदार अगर कोई पार्टी होती है, सबसे ज्यादा अगर कोई धनवान संस्था होती है किसी क्षेत्र में तो वो यही वाली होती है। आप पूछेंगे मतलब सबसे भ्रष्ट संस्था जो होती है किसी शहर की वो यही होती है? मतलब ये लोग ऐसे हैं जैसे मेयर को ना, मेरे अभी जो आपने नया, अपन ने नया ऑफिस लिया है उसके बगल का नाला साफ करवाना था। नाला साफ करवाने की ऑफिशियली जो फीस ली गई वो तो ली गई, उसके अलावा सर मिठाई पानी और करिएगा, है ना? तो मतलब मुद्दा ये है कि ये मतलब सबसे भ्रष्ट संस्था होती है। अब ये भ्रष्ट संस्था का कैसे निर्धारण होता है सबको सब पता है, लेकिन फिर भी है, ठीक है ना? एनीवे, अब इसके बाद तो बहुत पैसा आता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मुंबई की वृहद नगर म्युनिसिपैलिटी है ना, मतलब ये जो नगर निगम है मुंबई की, उसका जो बजट है वो राजस्थान के बजट से ज्यादा है। बीएमसी जो है, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, समझ रहे हैं, उसका जो बजट है वो राजस्थान सरकार के बजट से ज्यादा आ जाता है। इतना इतना पैसा था, कई राज्यों के बजट से ऊपर कई बार बीएमसी का बजट चला जाता है। आप सोच के देख लीजिए, आबादी अपने आप में वहां की करोड़ों में है भाई, तो क्यों ना आए? अब वो पैसा पूरा यही लोग खर्च करते हैं। तो आपने देखा होगा ना, कई बार अपन फिल्मों में देख रहे होते हैं, कई फिल्में होती हैं जिसमें कि
वहां का जो कॉर्पोरेटर होता है, जैसे आप काउंसलर या कॉर्पोरेटर मुंबई में दिखाते हैं, उसको बड़ा ही मतलब गुंडा मवाली टाइप का दिखाया जाता है। फिर आप में से कई लोग कंफ्यूज हैं, तू है तो पार्षद ही, तेरे को गुंडा मवाली टाइप का क्यों दिखाया जा रहा है, तो ऐसा वो है क्या, है ना, फिल्मों में दिखाते हैं। तो यार हमारे यहाँ तो पार्षद जैसे घूमते हैं ऐसे, हम तो उनको यही बस नाम से बुलाते हैं, आ जा इधर काम कर फटाफट। नहीं तो तब, लेकिन फिर समझ में आता है भैया तुम्हारा बजट बड़ा है ना ठीक है, क्लियर हो गया। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। तो ये स्थानीय स्वशासन के अंदर मैंने आपको क्या बताया। तो अब देखिए, आपने कुछ चीजों से तो अपने आप को रिलेट कर लिया, लेकिन साथियों आपको पता है जहां पर आर्मी बैठती है, जहां पर आर्मी होती है, आर्मी उस जगह पर भी तो लोग रहते हैं भाई। आपने कैंटोनमेंट एरियाज का नाम सुना होगा, है ना, जहां पर आर्मी के परिवार, आर्मी के पर्सनल्स, अपनी मिलिट्री के जो पर्सनल्स हैं वो निवास करते हैं। तो भाई उनके भी समस्याएं होंगी, उनके भी नल पानी बिजली ये जितनी भी समस्याएं ये तो होंगी ना। तो इनके विकास के लिए भी कैंटोनमेंट क्षेत्र में भी ऐसे ही चुनाव होते हैं, उसे कैंटोनमेंट बोर्ड कहा जाता है। ऐसे ही साथियों जैसे कहीं पोर्ट है, जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, वहां पर कर्मचारी काम कर रहे हैं हजारों की संख्या में, तो उनके परिवार वाले भी होंगे, तो वहां पर क्षेत्र के विकास के लिए पोर्ट ट्रस्ट का निर्माण किया जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको यह बात भी समझ में आ गई हो, क्लियर, डन हो गया। तो उम्मीद है आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो मैंने आपको क्या बताया, आर्टिकल के रूप में अगर हम बात बताएं तो ये जैसे आप लोग आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो ये पोर्ट ट्रस्ट वगैरह के बारे में मैंने बता दिया, 73rd अमेंडमेंट के थ्रू आपने इनको पढ़ा था। तो इधर देखिए नगर पालिका स्थानीय स्वशासन ग्राम पंचायत को 73rd के माध्यम से पढ़ा था, तो इसे 74th के माध्यम से पढ़ते हैं, 74th के माध्यम से, ठीक है, क्लियर। 243P 243O तक इनको आप लोग पढ़ते हैं, क्लियर। इसका अभी A4 वाला जो PDF है वो मैं आकर के आपको दे रहा हूं, ठीक है, आप चिंता मत करिए आज मिल जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को अधिकतम बातें, और जो अमेंडमेंट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उनकी मैं स्पेशल क्लासेस लगा करके, मतलब क्लासेस आती रहेंगी, आप चिंता ना करें, उनसे वहां से आप पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ हैवी ड्राइवर होनी तो चाहिए कार्रवाई, लेकिन हर आदमी खुद भी कमाना ही चाहता है। इकोनॉमिक्स का शेड्यूल मंडे से आ रहा है ना, ठीक है, चलिए तो ऑल द वेरी बेस्ट, फिर मुलाकात करेंगे आप सभी साथियों से, पढ़ते रहिए और मुलाकात करते रहिए, ठीक है। YouTube पर तो मुलाकात होती ही रहेगी, इस बीच में आपसे मुलाकात करने के और तरीके भी इजाद किए जाते रहेंगे, ठीक है।